थिंक लव लाइफ का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम इंसान कंप्लीट नहीं हो सकते। हमें प्यार चाहिए होता है, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे वो हमारे को अपने पेरेंट्स से मिले, हमारे फ्रेंड से मिले, हमारे पेट से मिले, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आप लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड बना लिया या लड़का हो तो अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। हमें चाहिए कोई एक ऐसा इंसान जो हमें प्यार करे जैसे हम खुद को प्यार करते हैं, ताकि हम अपने आप को कंप्लीट फील कर सकें। लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हमें वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सके हमारी, जो हमारी उससे होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रू लव है? जिस भी रिलेशनशिप में आप पढ़ते हो, सामने वाला हो या आप हो, अगर आप दोनों के अंदर ये वाली फीलिंग है एक्सपेक्टेशन की, तो क्या वो ट्रू लव है? अगर आप एक दूसरे से बार बार लड़ाई कर रहे हो और कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच होती है और आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो, तो क्या ये ट्रू लव है? नहीं, ये ट्रू लव नहीं होता। हमें एक्चुअली ट्रू लव का मीनिंग ही नहीं पता। हम सिर्फ कमिटेड हो जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। शुरुआत में सारा कुछ अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम शुरू होती है। जजमेंट बिहेवियर सामने आता है, जेलसी सामने आती है, छोटी छोटी बात पे हम इश्यूज बनाते हैं। सीरियसली बताऊँ तो हम सामने वाले से नहीं प्यार कर रहे होते, हम बस अपनी नीड पूरी कर रहे होते हैं। जो हमारे दिमाग में फिल्मी स्टाइल लव एंगल होता है, हम उसको पूरा कर रहे होते हैं ताकि हम आसपास की सोसाइटी से पीछे ना रह जाएं। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी लोग दूसरों को शो ऑफ करने के लिए बनाते हैं, एक दूसरा अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को क्या फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट ट्रू लव। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव में ही हमें देखने को मिलती है। पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू लव है, वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से या किसी इंसान से भी जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी इंसान के साथ हो, तो वो भाई प्यार नहीं है, वो जस्ट आपकी नीड है जो आपकी आप पूरी कर रहा। एक्सपेक्टेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आप उनको इमोशनल सपोर्ट के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। आप किसी भी सेक्टर में अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव विदाउट एक्सपेक्टेशन होती है, अनकंडीशनल होती है। वो इंसान जैसा भी हो, आप उसे एक्सेप्ट करो। एक्सपेक्टेशन कैसी हो सकती है कि सामने वाला आपसे बहुत प्यार करे, सामने वाला आपके अकॉर्डिंग चले, ठीक है, उसके बाद सामने वाला आपकी हर चीज़ समझे, हर चीज़ माने, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला ऐसा हो, और आपको उसको चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान की जो कंडीशनिंग होती है वो अलग होती है। यू कांट फोर्स एनीवन टू चेंज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। सो एक्सपेक्टेशन लगा के अगर आप बैठे हो, तो भाई वो असली प्यार नहीं। अगर आप सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो कि जैसा भी है सामने वाला, तो वो प्यार है, वो असली प्यार है। और जब आप उस इंसान को एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने वाला हो, इरिटेट होने वाला हो, तब भी आप उससे प्यार करते हो, वो ट्रू लव। आप उसके सामने अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट नहीं रख देते, वो ट्रू लव। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ट्रू लव के लिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच, कभी भी विक्टम कार्ड प्ले मत करो। कभी भी ये मत बोलो मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, लेकिन एंड में मुझे ये वो नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कभी भी विक्टम कार्ड प्ले मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो भी चीज़ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और सामने वाले को ज़रूरी नहीं है फील कराना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ही इज़ फ्री टू टेक हिज डिसीजंस। लेकिन आपकी जहाँ मिस्टेक्स है, वो आप मिस्टेक्स मानो। अगर आप वो मिस्टेक्स मान जाओगे, तो आपका जो पार्टनर होगा या जो भी इंसान जो आपसे प्यार करता होगा,
वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा और अपनी भी गलती मानेगा। ईगो इश्यूज़ को साइड रख के सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करो एक प्रैक्टिकल वे, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बात कर रहे हो कि उन चीज़ों को आप पर्सनली ले रहे हो, प्रॉब्लम्स को पर्सनली ले रहे हो कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, यू आर टेकिंग इट पर्सनली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये नहीं किया, और उसको आप पर्सनली ले रहे हो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, उससे प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाली। तो सेकेंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि विक्टिम कार्ड प्ले मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और कभी भी किसी भी चीज़ को पर्सनली लो, तभी कोई रिलेशनशिप आगे अच्छी वे में चल सकती है। सो जब भी आप किसी इंसान से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, उनकी किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ को लेकर लेते हो। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एक अच्छे रिलेशनशिप में, वो है उस इंसान को फ्रीडम देना, उस इंसान को पकड़ के नहीं रखना, वो जो करना चाहता है उसको करना, लेट इट गो। कहते हैं कि जितना आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ोगे वो चीज़ अपने आप आपके पास आएगी, बिकॉज हर इंसान को फ्रीडम पसंद होती है, हर इंसान ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो उसको फ्रीडम दे। आपके भी पेरेंट्स अगर आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं तो आपको पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगेगी, आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दें, तभी आप अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार करो। ये जो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इट्स ऑल्सो अबाउट एनी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप, किसी भी सेक्टर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको फ्रीडम दो, वो जो करना चाहता है उसको वो फ्रीडम दो और उससे वो चीज़ डिस्कस करो एक फ्रेंड की तरह, ताकि अगर वो आपको लगता है कि किसी प्रॉब्लम में पड़ सकता है आप उसको वो सजेस्ट कर सकते हो प्यार से, इंस्टेड ऑफ कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करोगे तो वो बंदा या बंदी कभी भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक ट्रू लव में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो मैटर नहीं करता कि आप उस इंसान के साथ हमेशा रहो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इंसान से दूर हो लेकिन तब भी आप उससे प्यार करो, ऐसा भी हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप उस इंसान से दूर हो चुके हो, उस रिलेशनशिप से दूर हो चुके हो, लेकिन तब भी उस रिलेशनशिप में ना रहते हुए भी आप उस इंसान से प्यार करते हो। तो वो होता है ट्रू लव, कि आप उस इंसान के साथ नहीं हो लेकिन आपका दिल उस इंसान के पास है, उस इंसान से तब भी उतना ही प्यार करते हो चाहे वो इंसान आपके सामने हो या ना हो। तो ये चौथी पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, कि आप उस इंसान के साथ हो या ना हो लेकिन तब भी आप उस इंसान से प्यार करते हो तो वो होता है ट्रू लव। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है ट्रू लव में, कि पांचवी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रू लव के लिए, वो होती है जेलसी का बिल्कुल भी ना। अगर आप किसी भी इंसान से प्यार करो, अगर आपका जेलसी फैक्टर उस में आ रहा है तो समझ लेना कि आप उस इंसान से प्यार नहीं करोगे, आप उस इंसान से प्यार नहीं करोगे। मान लो कि दो लोग हैं, एक इंसान ग्रो कर जाता है, दूसरा इंसान नहीं ग्रो कर पाता, तो जो दूसरा इंसान है जो ग्रो नहीं कर पा रहा, अगर वो पहले इंसान से जेलस है, इट सिंपली मीन्स वो इंसान दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता, बल्कि उसको खुश होना चाहिए। अगर सामने वाला ग्रो कर रहा है उसको खुश होना चाहिए, उस इंसान से ज़्यादा खुश होना चाहिए कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू ग्रो कर रहा है, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। जो आपसे रियल में प्यार करते हैं वो आपकी प्रोग्रेस को देख के खुश होते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। सो जो आप सामने वाले से अगर आप सच में प्यार करते हो उसकी अचीवमेंट पर खुश होना सीखो। ये पाँच चीज़ें मैंने आपको बताई आज जो आपको दिमाग में रखनी है, मतलब आप इन पांच चीज़ों पर भी काम कर लो ना, आपको ट्रू लव का मीनिंग पता चल जाएगा। ट्रू लव एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल फीलिंग है जो साइंस ने भी प्रूव की है कि अगर आपके मन में हो वो फीलिंग किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ और भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप अपने काम को भी लेके अच्छा सच्चा प्यार दिखाते हो, उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव प्योर फीलिंग्स रखते हो, तो वो काम भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। इन द सेम वे किसी इंसान के लिए अगर आप ट्रू लव फील करते हो, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स है और इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपको रहना है ताकि वो रिलेशनशिप, वो फीलिंग इंक्रीज हो।
ना तो उस इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल करना है, उस इंसान को फ्री छोड़ना है. नो प्लेस फॉर डेस्परेशन, नो प्लेस फॉर एक्सपेक्टेशन, नो प्लेस फॉर जेलसी, नो प्लेस फॉर होल्डिंग दैट पर्सन इन योर हैंड. तभी आप रियल लव, ट्रू लव कभी नहीं सकते. सो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज़ पे एनालाइज कीजिए कि जो जिस रिलेशनशिप पे भी आप हो, क्या वो ट्रू लव है या नहीं. अगर नहीं है कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. और ये जो पांच चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो अपने रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कीजिए. मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो के साथ आप लोग ग्रो करो, आप मेरी बातों को सीरियस लो और अपने लाइफ में अप्लाई करो, तभी जाके मेरे वीडियो बनाने का जो एम है वो पूरा होगा. सो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अपने रिलेशनशिप को और पॉजिटिविटी दे दीजिए. थैंक यू सो मच.